हनी चिली पोटैटो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन जब हमारा इसे खाने का मन करता है तो हम इसे अपनी पसंदीदा शॉप या रेस्टोरेंट से मंगाते हैं, क्योंकि जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो इसमें वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं ला पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल वाले हनी चिली पोटैटो की रेसिपी। मेरी प्रिय सहेलियों, मैं तृप्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ग्रो विद किचन में। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, जिनका वजन लगभग 400 ग्राम है, और मैंने उनको छीलकर पानी में डाल दिया है जिससे काले ना पड़े। अब मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने एक छोटी या आधा कप शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। एक छोटी प्याज ली है, प्याज को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर अरारोट लिया है, आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हो। 1 बड़ा चम्मच सफेद तिल लिए हैं जिनको मैंने रोस्ट कर लिया है। 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस लिया है मैंने, 2 बड़े चम्मच हनी, 4 बड़ी लहसुन की कली और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। लहसुन को मैंने बारीक कट कर लिया है और अदरक को मैंने कूट लिया है। 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, ये हम लोग अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है और 2 हरी मिर्च ली है जिनको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम आलू को इस तरह से काटेंगे और फिर हम इनको इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज के जैसे कट कर लेंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह। मैंने आलू को काट कर धो लिया है अच्छी तरह से और अब हम इसमें ये अरारोट मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने अरारोट को आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अगर आपको ये सूखे लगें तो आप इसमें 1 चम्मच पानी डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई को कुकटॉप पर रख दिया है, कुकटॉप को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में मैंने तेल डाला है इनको फ्राई करने के लिए। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इनको फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है और मैंने एक इसमें डालकर चेक भी कर लिया है। अब हम इसमें और फ्रेंच फ्राइज डाल देते हैं। इसके लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए। ये हल्के हल्के फ्राई होने लगे हैं लेकिन अभी हम इनको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी सेक लेते हैं। ये भी फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखो कितने क्रिस्पी बने हैं, ये आवाज आ रही है ना। थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर हम इनको फ्रेंच फ्राइज की तरह ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इनके हनी चिली पोटैटो बनाएंगे तो उसके लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हनी चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने कुकटॉप पर एक पैन रखा है, उसमें तेल डाल दिया है। 2 टेबलस्पून तेल डाला है मैंने और कुकटॉप को ऑन कर दिया है। तेल गर्म हो गया है और अब मैं सबसे पहले इसमें अदरक और ये लहसुन डाल रही हूँ। इसको हल्का सा भूनूंगी और साथ ही इसमें ये हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। लहसुन हल्का सा भुन गया है और अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल हमारे रोस्ट है इसलिए इनको हल्का ही भूनना है। और अब इसमें ये शिमला मिर्च डाल दी है मैंने, और तिल हमारे रोस्टेड थे इसलिए मैंने इनको थोड़ा ही भूना है। अगर आपके कच्चे तिल ले रहे हो तो यहाँ पे इनको थोड़ा ज़्यादा भून लें। मैंने इसमें प्याज भी डाल दी है। अब इनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर पकाएंगे। इनको हमें क्रिस्पी रखना है, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियाँ भी फ्राई हो गई हैं और अब मैं इसमें सॉस डाल देती हूँ। टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शहद डाल रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया सॉस तैयार हुआ है। और अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। सॉस तैयार हो गया है और अब मैं इसमें फ्राइज डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। फ्राइज को मैंने सॉस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अभी ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं कुकटॉप को ऑफ कर देती हूँ और इनको प्लेट में निकाल देती हूँ। हनी चिली पोटैटो तैयार हो गए हैं और हम इनको धनिया से गार्निश कर देते हैं। आपके पास अगर हरी प्याज है तो आप धनिया की जगह वो भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और टेम्पटिंग हनी चिली पोटैटो बनकर तैयार हो गए हैं। मेरा यकीन मानिए जितने टेस्टी ये दिखने में लग रहे हैं ना उतने ही टेस्टी ये स्वाद में भी हैं। अगर आपने मेरी ड्राई मंचूरियन की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।